बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन ये हुआ है कि अब जो टाइम आया होना था वो हो चुका है, ठीक है, अब कैसे अपनी जिंदगी को मैनेज किया जाए कि नॉलेज भी हासिल हो जाए। बड़ी अफरा तफरी है ना, पैनिक है, स्कूल जाते हैं तो शाम करीब हो जाती है, घर के काम, ट्यूशन, कपड़े धोने, टाइम नहीं मैनेज हो रहा। यकीन करें कि इस पर बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं ना टाइम मैनेजमेंट के। आप यूट्यूब खोलें, लाखों ट्रेनर जो है टाइम मैनेजमेंट पे बात करेंगे, ठीक है, खोल के देख लें, आपको पता चल जाएगा। मैंने जो रिसर्च की है या जो मैंने कहा है कि टाइम कैसे मैनेज होगा, क्या करें, लोग कहते हैं जी प्लान बनाएं, पूरे साल का लक्ष्य बनाएं, टाइमिंग सेट करें, मैंने इस टाइम क्या करना है, इस टाइम क्या करना, नहीं होता। बना के देख लें, आप जॉगर खरीद लेंगे सैर नहीं होगी, ठीक है, ट्रैक सूट ले आएंगे, दो दिन उठा जाएगा, ट्रैक सूट उधर ही पड़ा रहेगा। तो मैंने कहा ये क्या, मैंने खुद अपनी जिंदगी में नहीं होता। आप दावा ले लें जिम पे, दो दिन वर्जिश करेंगे मरने वाले हो जाएंगे, मेरे को नहीं जो हुंदा है, ठीक है, ये ट्रेनर और ये लोग बताते हैं कि ऐसा करें ऐसा करें, नहीं होता। अब फिर करें क्या कि टाइम मैनेज हो जाए, ठीक है, कोई ना कोई काम रह जाता है, भागम भाग दौड़ लगी होती है, सारा ये सिलसिला होता है। मैंने रिसर्च की और मैंने जो चीज़ अपनाई है कि टाइम मैनेज हो जाए, लिखना ना पड़े, पहले प्लान बनाने में लिखो। वो एक बंदे ने कहा जी मुझे ना चीज़ें भूल जाती हैं, हकीम को किसी ने कहा, किसी से कहा, तो हकीम कहता बादाम खाया करो, कहता कितने, कहता 9 या 10 भिगो के रख दो, सुबह तुम ना वो छील के खा लिया करो, कहता ठीक है। फिर हफ्ते बाद आया, कहता ठीक हो गया, कहता नहीं, कहता क्यों, कहता बादाम भगोने ही नहीं याद रहते थे ना, ठीक है, वो याद रहेंगे तो मैं खाऊंगा तो याददाश्त तेज होगी ना। तो मैं आपको एक टिप देता हूं जो मैंने आजमाया है, सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी, सॉरी दे दूंगे रहने दो, यकीन करें, इतना जबरदस्त फार्मूला मुझे भी बड़ी देर बाद मिला और ये भी रिसर्च से मिला। टाइम मैं जितना बिजी होता हूँ आपकी सोच है, यानी आप, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं फारग हूँ, यानी इतना बिजी होने के बावजूद भी टेंशन नहीं, कोई भागम भाग नहीं, कोई कुछ नहीं है, वो चीज़ें अपनी लाइफ में ना रिलैक्स है लाइफ, इतनी मसरूफियत के बाद भी वजह वो मैं आपको आज नुस्खा बता देता हूँ। आप 5 वक्त की नमाज उसके मुकर्रा वक्त पर पढ़ने शुरू कर दें, यकीन करें आपके सारे काम मैनेज हो जाएंगे।